तो आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल, जो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना ना भूलना। दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है माय यूट्यूब फैमिली, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आइए आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही आसान और थोड़े से इंग्रेडिएंट से तैयार होती है, शॉर्ट टाइम शॉर्ट सी रेसिपी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हाफ के जी मैंने आलू ले लिए थे जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आलू को मैश कर लेंगे अच्छी तरह। तो देख सकते हैं हमने अच्छी तरह आलू को मैश कर लिया। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे पीसी हुई मिर्च, सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन, ये इसमें शामिल करें। 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, ये एज़ रिक्वायर्ड है, आप जितना आपका दिल करता है उतना ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद ऐड करेंगे धनिया जो हमने फाइन चॉप कर लिया था, हाफ प्याली। तो सब कुछ हमने इसके अंदर शामिल कर लिया है, अब इसे मिक्स करेंगे। तो ये लें हमारा मसाला बिल्कुल मैश हो चुका है। तो अब ऐड करेंगे इसमें ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया, अब हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसके ऊपर लगा लेंगे, ऐसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। एक प्याली आटे की ले ली है, 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। तो इसे मिक्स कर लेंगे। तो उसके बाद ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून। तो सॉल्ट ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, कलवंजी ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इसमें वाटर हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे और साथ साथ इसे घूमते जाएंगे। तो आटा हमारा गूंद के तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो इसके करेंगे छोटे छोटे पीसेस और फिर इसे इसकी रोटी बनाएंगे। इसके हम 2 पीस कर लेंगे और 2 के 4 पीस कर। तो इसके हमने 6 पेड़े बना लिए हैं, अब इसकी रोटियां बनाएंगे। तो देख सकते हैं हमारी रोटी तैयार हो चुकी है, अब इसे काट लेंगे। इसके हमने स्प्रिंग रोल टाइप काटना है। देख सकते हैं कटिंग हमारी हो गई है, बहुत प्यारी कटिंग हुई है। तो चलिए आइए, अब हमें चाहिए मसाला। तो एक छोटी सी प्याली ली है जिसमें हम 1 टेबल स्पून डालेंगे फ्लोर आटा और थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी और थोड़ा सा ऐड करेंगे नमक और उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए आइए इस पर रखेंगे थोड़ा सा मसाला और इसे करेंगे रोल। ये बनने लगे हमारे स्प्रिंग रोल। और इधर थोड़ा सा लगा देंगे हम जो हमने अभी मैरिनेशन बनाई है, मैरिनेशन लगा लिया और इसे कर देंगे रोल। तो ये लें जी हमारा स्प्रिंग रोल बिल्कुल तैयार हो गया, देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा तैयार हुआ है। तो चलिए आइए सब फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह देख सकते हैं हमारे रोल तैयार हो गए मन के, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की नेमते हैं सब। तो अल्लाह को याद किया करें, फिर ही अल्लाह याद करता है इंसान को। नमाज पढ़ा करें 5 वक्त की, मुश्किलें कम होती हैं इससे। ये फ्राई करते हैं इन्हें। तो चलिए आइए, तो ऐड करेंगे इसके अंदर, आज हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने बनाना है। तो इसे अब बनने देंगे। तो देख सकते हैं माशाल्लाह हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो जैसे ही बादामी कलर आएगा हम इसे निकाल लेंगे।
तो इसे पलटते रहना है आपने, नीचे से जले ना। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, इससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। तो देख सकते हैं माशाल्लाह रोल, स्प्रिंग रोल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो जैसे इन पे हल्का बादामी कलर आएगा आपने साथ ही इन्हें निकाल लेना है ऑयल से। तो चलिए आइए इन्हें सर्व करते हैं। तो लें जी, हमारे रिंग रोल बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें रेसिपी आपको कैसी लगी है। ज़िंदगी शान वाली और मौत ईमान वाली अल्लाह दे, ये अल्लाह से दुआ है हमारी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह।